हम दिखाते हैं, पुराने एक कॉपी है, टेक्स्ट बुक है, वो बीच से पेपर फट गया है और उसको कैसे बाइंडिंग करते हैं। बच्चे की बुक जो आते हैं 3-4 महीना बाद ही वो ख़राब हो जाता है और बुक मार्केट में भी अवेलेबल नहीं रहता है, उसको चलिए उसको बाइंडिंग करते हैं। देखिए इस प्रकार का एक वो आता है, छेद करने के लिए पियर्सिंग मशीन आती है, ये देखिए। तो मैंने इसे इस तरह से 1/2 इंच ले लीजिए, देख लीजिए कि बुक्स के जो लिखी हुई है वो दब ना जाए। देखिए ये इसके हिसाब से आप अंदाज़ लगा लीजिए और इसे पियर्स कर दीजिए, फिर यहाँ ये छेद बन जाएगा। और बड़ी सी ये देखिए सुआ है, मार्केट में आपका अवेलेबल है, इससे लेकर आप इसमें धागा लगा लीजिए। देखिए मोटे साइज़ की धागा आती है, इसको सिलने के लिए काम आता है, जैसे आप बच्चों का गदिया बनाते हैं, बिस्तर सिलते हैं तो उसके लिए आते हैं। अब ये मोटे वाली आप धागा कहकर मांग लीजिए और ये मोटी वाली सुई किताब सिलने वाली या गद्दा सिलने वाली। और इसमें ये देखिए इसकी छेद भी बड़ी होती है, देखिए इसमें आप डालकर इसको देखिए मैंने बांध दिया है। बांधने के बाद पहले आप एक न्यूज़पेपर या कोई भी प्लेन कवर से इसको वो कर लीजिए, कवर कर लीजिए। देखिए कवर कैसे करते हैं, शुरू से मैं दिखाती हूँ आपको कवर करने के लिए। ये देखिए न्यूज़पेपर है, इसको ऐसे बराबर साइज में आप नाप लीजिए, इस तरह से नाप लिए और ये देखिए इस प्रकार से आप कवर कर दीजिए, इसे उसकी लाइफ जो है वो एक्सटेंड कर जाएगी। इस तरह से करके मोड़ लीजिए, देखिए दोनों साइड से मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद इस प्रकार से आप प्रेस कीजिएगा तो ये बुक्स आपकी इस प्रकार से इसे प्रेस कर दीजिए। ये कूलर चालू है तो इसके चलते ये देखिए प्लास्टिक कवर, इस प्रकार से बंडल आती है प्लास्टिक कवर की, पेपर की भी आती है और प्लास्टिक की भी आती है, मैं तो प्लास्टिक वाले प्रेफर करती हूँ। देखिए इस प्रकार कर लीजिए, इसको बराबर साइज में काट लीजिए और काट कर इस साइड से पहले ही काट लीजिए, यहाँ से काट कर निकाल लीजिए ऐसे। दोनों साइड से मैंने काट लिया है, शायद आपको पता भी हो कवर लगाना, और किसी मेरी फैमिली को नहीं पता हो, यूट्यूब फैमिली को, तो वो ऐसे भी लगा सकते हैं। कुछ नहीं देखिए, ये देखिए आपने इस तरह से कर लिया, पहले दोनों साइड का आप इसको अच्छे से कीजिए, उस तरफ का पहले किया फिर उसके बाद यहाँ अच्छे से इसे थोड़ा थोड़ा से कर करके इसे संभाल लीजिए। देखिए दोनों ही तरीके से मैं आपको सिखाती हूँ कैसे करते हैं। देखिए इस पोर्शन को बहुत ही आसानी से निकाल कीजिएगा, कैरफुली होल्ड कीजिए, देखिए इस तरह से आपने, और आप इसको अगर आप स्टेपलर कर रहे हैं तो यूँ ही स्टेपलर कर लीजिए, इस पोर्शन पे स्टेपलर कीजिएगा और एक इस पोर्शन में स्टेपलर कीजिएगा। देखिए इस प्रकार से, देखिए यहाँ क्योंकि यहाँ से खुलने का डर रहेगा, यहाँ तक आ रहा है, आप यहाँ तक थोड़ा सा
एक ये तरीका है और दूसरा तरीका भी मैं आपको शेयर करती हूँ। ये है आपका टेप, जैसे आप टेप है आपकी टेप जब आप यूज़ करते हैं तो आपको ढूंढना पड़ता है, तो इसके लिए एक ऑप्शन है कि आप पेपर से थोड़ा सा, जैसे आपने किस सिरे से खोला है आपको याद नहीं आता, आप ढूंढना पड़ता है, तो आप एक तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने यहीं से लगाया है। चलिए दिखा देते हैं, देखिए अब इसको अगर लगाना है आपको तो इसे ऐसे करके लगाना होगा, देखिए इस तरह से, इस पोर्शन से इस पोर्शन तक। तो ये आपकी बुक जो है, टेक्स्ट बुक जो आप लगा रहे हैं वो नहीं खुलेगी, देखिए इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रॉस टाइप करके करना पड़ेगा। देखिए और यहाँ से आपने पकड़ा और इसको अच्छे से करके यहाँ तक कर लीजिए, एक्चुअली कई बार आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, बुक्स अवेलेबल नहीं होता है, तो आप इस तरह से करके पुराने बुक्स को आप न्यू लाइफ दे सकते हैं। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। बाय, कुछ नए चीज़ लेकर आपके साथ फिर हाजिर होती हूँ।